तो डीडवाना में गत दिनों कायम नगर में एक प्रोग्राम के तहत क्षेत्रीय विधायक चेतन डूडी से विकास को लेकर एक 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिस पर एक हफ्ते में ही इसकी कवायद शुरू होती दिखाई दे रही है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी। इसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज नगर पालिका JEN पन्नाराम ने अपनी टीम के साथ चौराहे का सर्वे किया व कार्य को अंतिम रूप देने के लिए मसौदा तैयार किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चौराहे पर 45 फीट ऊंची हाई मास्ट पोल होगी, जिस पर 8 लाइट लगेंगी, बीच में लाल लाइट होगी। सर्वे रिपोर्ट के बाद जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। मांग पत्र के अनुसार लाइट के साथ ही APJ अब्दुल कलाम चौराहे से दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग मारवाड़ा बलिया तक, साल्ट रोड चौराहे से उत्तर की ओर पीलती स्कूल एवं APJ अब्दुल कलाम मार्ग होगा। पूर्व की ओर जाने वाली मार्ग ट्रांसपोर्ट तक कायम नगर मार्ग के नाम से जाना जाएगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही में सुविधा होगी। आज आप जो सर्वे के लिए आए हो और यहाँ मदीना मस्जिद के पास में एक हाई मास्ट लाइट लगने जा रही है, तो क्या इसकी जानकारी, कितनी इसकी ऊंचाई होगी, कितनी इसके ऊपर बत्ती लगेगी? देखो, इस जगह के हिसाब से यहाँ पे 15 मीटर की मतलब हाई मास्ट लाइट लगेगी, तो इसके ऊपर कितनी बत्ती लगाई जाएगी? लगभग 8। तो कब तक इसका काम शुरू हो जाएगा? देखो, आज मौका निरीक्षण किया गया है, जल्द ये काम।